रेसिडेंट एविल गेम की गाइस अगर फैन होना तो ये वाला वीडियो हम लोग के लिए होने वाला है। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी तक का सबसे बेस्ट ज़ोंबी हॉरर शूटिंग सर्वाइवल टाइप गेम रेसिडेंट एविल सीरीज फॉर एंड्रॉयड होने वाला है। ये मतलब कि जितने भी सीरीज़ हैं हम लोग के रेसिडेंट एविल के, जो हम लोग अपने एंड्रॉयड में खेल सकते हैं वाइल यूजिंग एम्यूलेटर्स। तो क्या हम लोग रेसिडेंट एविल 4 रीमेक खेल सकते हैं, रेसिडेंट एविल 6 खेल सकते हैं, रेसिडेंट एविल के कोई से भी अभी लेटेस्ट पार्ट आ गया रेसिडेंट एविल विलेज, ये सब क्या हम लोग एंड्रॉयड में खेल सकते हैं? ये वाला वीडियो गाइस इसी के ऊपर होने वाला है। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे शुरुआत से स्टार्ट होंगे। उस टाइम आया था गाइस हम लोग का 1992 में रेसिडेंट एविल का प्ले स्टेशन 1 में पोर्ट, जो कि ऑफिशियल रिलीज था हम लोग का 1992 में। डेस्क स्टेशन में हम लोग ये प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आया हम लोग का 1998 में रेसिडेंट एविल 2 का सीरीज, प्ले स्टेशन 1 में ये भी रिलीज़ हुआ था। EPSXE एम्यूलेटर में हम लोग अपने एंड्रॉयड में ये भी खेल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आया है रेसिडेंट एविल 3 नेमेसिस, आया था 1999 में, जो कि गेम हम लोग का बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ये भी प्ले स्टेशन 1 में रिलीज़ हुआ था, चाहिए तो ये भी हम लोग एंड्रॉयड में खेल सकते हैं वाइल यूजिंग डेस्क स्टेशन। इसके बाद हम लोग का आया रेसिडेंट एविल सर्वाइवर, ये आया था 2000 में, तो मतलब कि ये भी हम लोग का प्ले स्टेशन 1 में ही रिलीज़ हुआ था, तो चाहिए तो इसको भी हम लोग प्ले कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। इसके बाद हम लोग का आया गाइस रेसिडेंट एविल कोड वेरोनिका, प्ले स्टेशन 2 में आया था ये। तो मतलब अगर इसको प्ले करना है तो इधर SX2 चलेगा, या तो आर्केड मशीन का एक मेम एम्यूलेटर था वो भी एम्यूलेटर एंड्रॉयड में अवेलेबल है, वो प्ले कर सकते हो। उसके बाद आ गया हम लोग का रेसिडेंट एविल सर्वाइवर 2 कोड वेरोनिका, ये भी हम लोग अपने एंड्रॉयड में खेल सकते हैं, लेकिन इस गेम को खेलने के लिए 2GB रैम चाहिए। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये आ गया गाइस रेसिडेंट एविल गाइडन, और ये गेम हम लोग का अवेलेबल है सुपर GBC मतलब गेम बॉय कलर एम्यूलेटर में ऑन एंड्रॉयड। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम था गाइस, जो कि हम लोग के एंड्रॉयड में हम लोग चाहिए तो प्ले कर सकते हैं वाइल यूजिंग डॉल्फिन एम्यूलेटर, मतलब कि रेसिडेंट एविल 2002, ये अवेलेबल हुआ था हम लोग का गेम क्यूब में। अगर चाहिए तो ये भी हम लोग अपने एंड्रॉयड में चला सकते हैं। और भाई ये जो गेम था ना भाई, आते के साथ ही फर्स्ट बम इस वाले गेम ने फोड़ा था। इसके बाद जो खतरनाक बम है ना, मैं अभी बताऊंगा कौन से गेम ने फोड़ा था। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस, ये आ गया रेसिडेंट एविल 0, और ये गेम को रन करने के लिए भी हम लोग को 2GB रैम चाहिए, एम्यूलेटर सारे के सारे सेम लग जाने हैं पिछले वाले गेम के। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये आ गया है रेसिडेंट एविल डेड एम 2003। यहाँ पे जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा आगे चले जाता है, प्ले स्टेशन 2 मतलब इथर SX2 हम लोग का एम्यूलेटर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम था ये भी आ गया है प्ले स्टेशन 2 से रेसिडेंट एविल आउटब्रेक, 2GB रैम एटलीस्ट चाहिए इथर SX2 में, नहीं तो SX2 में हम लोग का ये वाला भी गेम इजीली प्लेबल है ऑन एनी डिवाइस। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आया गाइस, ये गया रेसिडेंट एविल आउटब्रेक फाइल #2 है, ये मतलब कि सेकंड वर्जन है फाइल आउटब्रेक का, 2004 में आया था ये, हम लोग का प्ले स्टेशन 2 में अवेलेबल था, इधर SX2 में चाहिए तो ये हम लोग प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जिसने बम फोड़ा ना गाइस इस वाले सीरीज में, भाई इस गेम ने हम लोग को फेमस किया था, ये आ गया गाइस हम लोग का रेसिडेंट एविल 4 2005 में आया था। किसने नहीं खेला होगा गाइस, रेसिडेंट एविल सीरीज के फैन हो ना भाई, खेल रखा है तुमने 100%। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये आ गया गाइस रेसिडेंट एविल डेडली साइलेंस, यहाँ पे ये वाला गेम का जो वो था ना हम लोग का ये DS एक पोर्टेबल एमुलेटर था उसमें रिलीज हुआ। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आया था ना गाइस, ये आया था शूटिंग टाइप का, हम लोग को ज्यादा का ज्यादा कंट्रोल हैंडलिंग नहीं मिलता, रेसिडेंट एविल द अम्ब्रेला क्रॉनिकल 2007 में आया था, ये भी हम लोग का गेम क्यूब में आया था, मतलब कि डॉल्फिन एम्यूलेटर में हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आया, यहां से डिवाइस रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, रेसिडेंट एविल 5 हम लोग का, वैसे तो MediaTek में भी सपोर्ट है, Snapdragon में भी सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन रैम हम लोग को उसके अनुसार से चाहिए जितना भी हम लोग दिखाया जा रहा है स्क्रीन में। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये है रेसिडेंट एविल द डार्क साइड क्रॉनिकल्स, ये भी हम लोग को एम टाइप का गेम है, हम लोग को बस एमिंग यहाँ पे करना पड़ता है डॉल्फिन एम्यूलेटर में, ये अगर चाहिए तो प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आया था रेसिडेंट एविल द मर्सिनरीज, और ये हम लोग का सीटर एम्यूलेटर में यूज़ था, ये थोड़ा सा रीमेक टाइप का था, रेसिडेंट एविल 5 था ना उसके टाइप में रीमेक हम लोग बोल सकते। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट गेम है गाइस ये आया था 2011 में ही रेसिडेंट एविल रिवॉल्यूशन, यहां पे भी इसके काफी सारे ऐसे एम्यूलेटर्स हैं अवेलेबल एंड्रॉयड में जिसको कि हम लोग यूज करके अपने एंड्रॉयड में खेल पाएंगे। यहां पे इस वाले गेम का भी जो डिवाइस रिक्वायरमेंट है ज्यादा हाई नहीं है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस ये आ गया रेसिडेंट एविल ऑपरेशन रकून सिटी 2012 में, विंडोज PC में आया था, चाहिए तो एम्यूलेटर में बॉक्स एम्यूलेटर में इसको हम लोग रन कर सकते हैं। रेसिडेंट एविल 6
ये वाले गेम में गाइस हम लोग को डिवाइस रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। हाई एंड डिवाइस ये वाला गेम मांगता है। विन लेटर में पॉसिबल है गेम प्ले करना, यूजू में और स्काईलाइन में भी पॉसिबल है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आ गया रेसिडेंट एविल रेवोल्यूशंस 2, और ये गेम 2015 में आया था। 4GB रैम रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग अपने एंड्रॉयड में चला सकते हैं। एमुलेटर सारे के सारे सेम लगेंगे जो पिछले वाले में हम लोग को लगे थे। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट आ गया गाइस ये गेम अम्ब्रेला कॉर्प्स, मतलब कि ये ना कुछ ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं सर्वाइवल टाइप का गेम था। इसका कोई भी डाटा हम लोग को अवेलेबल यहाँ पे नहीं है कि हम लोग कैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड में, किसी को पता है तो भाई बता देना कमेंट कर देना। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस ये आ गया रेसिडेंट एविल 7 बायोहैज़र्ड, और ये गेम को रन करने के लिए गाइस 6GB रैम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर होना ही चाहिए लेटर मोबॉक्स। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस ये है रेसिडेंट एविल 2 रीमेक, 2019 में आया था ये, मतलब कि अभी तक का पॉपुलर गेम में से एक है ये। विनलेटर चाहिए तो विनलेटर में चल जाएगा, मोबॉक्स चाहिए तो मोबॉक्स विनलेटर में चल जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस ये आ गया रेसिडेंट एविल 3 का रीमेक था, और भाई नेमेसिस वाले का ही रीमेक है ये। इतना बढ़िया गेम था ना भाई, मैंने खुद ने खेला है। मोबॉक्स में चाहिए तो अपने एंड्रॉयड में खेल सकते हो, विनलेटर में भी। इसके बाद जो ये गेम है हम लोग का, ये है हम लोग का रेसिडेंट एविल 3 का ही एक DLC अपडेट आया था। उसमें हम लोग को एक सर्वाइवर टाइप ऑनलाइन टाइप के गेम मिला, डेड बाय डेलाइट खेला ना वैसे टाइप में इसका गेम प्ले है। और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइज, जो कि बहुत मुश्किल से ही हम लोग के एंड्रॉयड में पॉसिबल हुआ, लेकिन पॉसिबल अभी है, DirectX 12 का गेम है रेसिडेंट एविल विलेज। हम लोग के एंड्रॉयड में चाहिए, यहाँ पे डिवाइस रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही हाई है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट एंड लास्ट गेम है गाइस रेसिडेंट एविल 4 रीमेक, 2023 में ही हम लोग को पता है। क्या हम लोग इसको रन कर पाएंगे अभी, अगर हम लोग को कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। हम लोग के मोबॉक्स ने ट्राई किया है, विलेटर में हम लोगों ने ट्राई किया, DirectX 12 यहाँ पे एरर। लेकिन ये जो गेम है हम लोग का जल्दी ही प्लेबल होने वाला है ऑन मोबॉक्स एंड विलेटर में भी, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो हम लोग ऑन विलेटर या तो मोबॉक्स एमुलेटर में हम लोग को आने वाला है। तो होप जो वीडियो है गाइस हम लोग को पसंद आया होगा। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करके कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही मस्त वीडियोस अपने चैनल में लाते रहता हूँ। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।